My name is Ruchi Sharma and I am working as a maths faculty in Education World and I welcome you all in today's video. मेरी आज की वीडियो क्लास 6 सीबीएसई के फर्स्ट चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स पर बेस्ड है. तो आज हम इस वीडियो में नोइंग अवर नंबर्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में जान लें कि अगर हमें कुछ नंबर्स दिए जाएं और उन नंबर्स को कंपेयर करना हो कि उन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो हम कैसे करेंगे. लेकिन इस सबसे पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए नंबर्स के बीच में क्या है और डिजिट्स क्या होती हैं. डिजिट्स हमारी स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये सारी, ये 0 से लेके 9 तक ये सारी डिजिट्स भी हैं और एक को सिंगल डिजिट नंबर भी बोलते हैं. जैसे 9 है, 9 जो है एक अपने आप में डिजिट भी है और एक सिंगल डिजिट नंबर है. ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है 9. ठीक है, तो ये सिंगल डिजिट नंबर हो गया. अगर मैं इसी तरह एक नंबर लिखूँ आपके सामने 141, ठीक है, तो ये 141, तो इस नंबर में कितने डिजिट्स प्रेजेंट है, 1, 4 और फिर से 1, तो ये नंबर कितने डिजिट्स का हो गया, 3 डिजिट्स का. तो इसे 3 डिजिट नंबर बोलेंगे. सिमिलरली अगर मैं 5, 2, 1, 3 लिखूँ तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 डिजिट नंबर हो गया. और इसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं अगर आपको बोला जाए 5, 2, 1 एंड 3, तो इसमें ये 4 अलग अलग डिजिट्स हैं. ठीक है, अब ये तो हो गया नंबर्स और डिजिट्स की बात. लेकिन अगर इन नंबर्स और डिजिट्स में कंपेयर करना हो, ठीक है, तो कंपेयर करना हो तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो ही जिसकी सबसे कम डिजिट्स हो, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स जिसकी हो. ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स जिस नंबर की होगी वो नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा. और ग्रेटेस्ट नंबर वो होगा विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसकी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो सबसे ज़्यादा, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, जैसे अब यहाँ पर अगर आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आपके पास मैंने एक एग्जांपल लिया, ये नंबर. ठीक है, इन नंबर्स में सबसे पहले मैं इनकी डिजिट्स कंपेयर करूँगी. जैसे ये नंबर है 9, 3, तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 2, तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया. ये 3 डिजिट नंबर हो गया. इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 4, 4, 5, 6 में 1, 2, 3, 4, तो इसमें 4 डिजिट्स हैं. इस नंबर, इस वाले नंबर में कितनी डिजिट्स हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो सबसे मैंने अगर आपको इससे पहचानना हो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसकी डिजिट सबसे ज़्यादा है. तो सबसे ज़्यादा डिजिट्स किस नंबर की है, इस नंबर की, तो आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 8, 9, 7, 4, 2. और अगर आप इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर पहचानना हो आपको, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसकी सबसे कम डिजिट्स होंगी, तो सबसे कम डिजिट सिर्फ इसी नंबर की 9, 3 की 2, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया. ठीक है, लेकिन ये तो केस हो गया कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, अलग हो सभी नंबर्स की. लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सबकी क्या हो सेम, जैसे इस वाले केस में, इस वाले सीरीज वाले नंबर में केस में, इस नंबर में सभी नंबर्स की डिजिट्स क्या है, 4. सभी नंबर जो है कितने डिजिट्स के हैं, 4 डिजिट के हैं, तो हम अब कंपेयर तो नहीं कर सकते. ठीक है, अब इनको डिजिट से तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो कैसे कंपेयर करेंगे. तो हम सबसे पहले अगर मुझे बोला जाए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देखना, तो ग्रेटेस्ट नंबर की फॉर्मेशन हमेशा 9 से शुरू होती है. जब भी आपको कोई ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो उसकी फॉर्मेशन हमेशा 9 से शुरू होती है. और अगर आपको जब भी स्मॉलेस्ट नंबर कोई बनाना हो तो उसकी फॉर्मेशन 1 से शुरू होती है. अब इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर वही होगा जिसकी डिजिट सबसे बड़ी है. तो सबसे बड़ी डिजिट कितनी है इन तीनों नंबर्स की, तीनों के पास 9, 9 है. तो फिर अगर सेम है तो फिर कैसे डिसाइड होगा, फिर हम इनकी दूसरी डिजिट देख लेते हैं. अब इन सभी नंबर्स की दूसरी डिजिट भी क्या सेम, 9, 2, 9, 2. फिर अब हम क्या करेंगे, टाई वाला केस हो गया, तो हम तीसरी डिजिट देखेंगे. इसकी तीसरी डिजिट 0 है, इसकी 0 है, इसकी सेकेंड डिजिट 0 है, मतलब ग्रेटेस्ट इनमें से दो, इन दोनों नंबर्स में से होगा, ये नंबर तो ग्रेटेस्ट नहीं होगा. ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स की डिजिट्स क्या सेम, जैसे ये 9201 है और ये 9210 है. ठीक है, पहली डिजिट इन दोनों की बराबर है, दूसरी डिजिट भी दोनों की सेम है,
तो तीसरी डिजिट से कंपेयर होगा। तो इसकी तीसरी डिजिट 0 है और इसकी 1, तो ग्रेटेस्ट नंबर वही होगा जिसकी डिजिट सबसे ग्रेटर हो एज कम्पेयर टू अदर नंबर्स। तो इसकी 0 है 1, तो 1 ग्रेटर होता है 0 से, तो मतलब नंबर इसमें से ग्रेटेस्ट कौन निकल कौन सा आया आपके पास, 9210। ठीक है, 9210 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। लेकिन अगर इसी तरह आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पिक करना हो, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम कौन कौन से नंबर देखेंगे, ये और एक ये, सिर्फ यही दो नंबर है हमारे पास, 1902 और 1920। स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्मेशन हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है। फिर इनके दूसरी डिजिट को कंपेयर कर लेते हैं, दूसरी डिजिट भी दोनों की सेम है, तो फिर इनकी तीसरी डिजिट देखते हैं। इसकी तीसरी डिजिट 0 है, इसकी 2 है, तो स्मॉलेस्ट बना रहा, तो मतलब स्मॉलेस्ट इस बार कम वाली डिजिट जो सबसे छोटी है वो वाला नंबर क्या होगा आपसे, सबसे स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा ये, क्योंकि 0 इज लेस देन 2, तो स्मॉलेस्ट पकड़ना था, तो इसमें से ये आएगा आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि अगर हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पकड़ना हो या पिक करना हो गिवन नंबर्स में से। अब यहीं पर बात कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, जैसे ये नंबर है, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटे से हमने सबसे बड़े नंबर की तरफ जाना है। सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा, 93, फिर इससे सबसे थोड़ा सा और बड़ा नंबर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब जिसकी सबसे कम डिजिट्स होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा, 391, फिर उससे और थोड़ा सा बड़ा क्या है, 4456, फिर और थोड़ा सा बड़ा नंबर है 89742। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर, बट ये एग्जांपल बहुत सिंपल है, ये ऑलरेडी असेंडिंग में थे। ठीक है, हम दूसरे वाले से ले लेते हैं, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं इस नंबर की। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, 1902, 190 से थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, 1920। अब इन इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा होगा, 9201 होगा कि 9021 होगा कि 9210, तो इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा होगा, इन सभी की डिजिट्स क्या है, 999। थोड़ा सा बड़ा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में पिक करना, थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, 9021, फिर इससे थोड़ा सा और बड़ा नंबर होगा 9201, और लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इधर आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर चलना होगा तो वैसे ही हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट अगर आप देखेंगे तो ये नंबर डिसेंडिंग में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, डिसेंडिंग वाले में इस वाली सीरीज को अरेंज कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, ये आपके पास नंबर्स हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाना, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हमारे पास, 1515 तो सबके पास है। अब इनकी तीसरी डिजिट देखो, तीसरी डिजिट इसकी बड़ी है, तो 15800, ये बड़ा हो गया। फिर एक से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा है, 6, तो 15623, ये हो गया। फिर 6 से थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा होगा, पहली दो डिजिट तो सब सबकी बराबर, तो इसकी 0 और इसकी 1, तो ये हो गया थोड़ा सा छोटा नंबर, 15189। फिर 15073। ठीक है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, नंबर्स अरेंज हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम कि अगर हमें नंबर बनाना हो, चार डिजिट का नंबर अगर आपको फॉर्म करना हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि रेपिटेशन ना हो किसी तरीके की। जैसे आपके पास ये डिजिट है 2874, ये चार डिजिट का नंबर है, इसमें से नंबर बनाना है कौन सा, ग्रेटेस्ट भी बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है, लेकिन रेपिटेशन ना हो, तो वो कैसे होगी। तो चार डिजिट का है तो सिंपली अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना, तो आप सीधा इन डिजिट्स को क्या कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक है, जब भी आपको कोई ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो और डिजिट्स दी हो, तो सिंपली अरेंज दो डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे 8 सबसे बड़ा है, फिर 8 से थोड़ा सा छोटा नंबर 7 है, फिर 7 से थोड़ा सा छोटा नंबर 4 है, फिर 4 से थोड़ा सा छोटा 2 है, तो मतलब ये आपका नंबर हो गया ग्रेटेस्ट।
स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर के वाले केस में क्या करेंगे आप, सब इनमें से सबसे छोटी डिजिट से स्टार्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्मेशन करके तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, जैसे 2 है, फिर 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर 4, फिर 4 से थोड़ा सा बड़ा नंबर 7, और 7 से थोड़ा सा बड़ा नंबर 8। तो ये आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन गया, ठीक है। लेकिन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास ये नंबर है 5403। अब इनमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट आपको बनाना है। तो ग्रेटेस्ट सिंपल डिसेंडिंग ऑर्डर पर 5 4 3 0। लेकिन स्मॉलेस्ट बनाते वक्त ये मत कर लेना कि 0 बाहर इधर लिख दिया और 3 ये सेंडिंग ऑर्डर में मैम ने बोला था, तो 0 3 4 5, नहीं ये गलत है। मैंने अभी आपको बोला कि स्मॉलेस्ट नंबर जब भी आपको कोई बनाना हो, चाहे सिंगल डिजिट का चाहे डबल डिजिट का, तो वो हमेशा आपका 1 से बनेगा। ये नंबर जो है ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, 3 डिजिट नंबर है, 0 तो आता ही नहीं है, ठीक है। तो आपका अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन्हीं 4 डिजिट से, तो सबसे छोटा नंबर 0 के अलावा है 3। 3 से थोड़ा सा, 3 से भी छोटा नंबर कौन सा, 0। फिर 4, 0 को आप बीच में लिख सकते हैं, स्टार्टिंग से आप स्मॉलेस्ट नंबर भी बना सकते हो 3 0 4 5, ठीक है। तो ये आपका नंबर क्या बन गया, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में क्या सीखा, हमने अभी की वीडियो में सिर्फ नंबर्स को कंपेयर करना सीखा है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कैसे अरेंज किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेज गेनिंग लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।